हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। गाइस, अभी उत्तराखंड के ब्लॉग कैसे लग रहे हैं मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइस, आप लोग कमेंट कोई नहीं कर रहे हैं, कमेंट करेंगे तो ही मैं यहाँ के ब्लॉग बनाऊंगा, नहीं तो मैं उत्तराखंड के ब्लॉग बनाना अभी बंद कर दूंगा। गाइस, कमेंट करके मेरे को फटाफट बताइए यहाँ के कैसे ब्लॉग लग रहे हैं। और आज मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो जो हमारी जो शारदा नदी रहती है वो हमेशा फुल रहती है, तो आज मैं पूरे आपको खाली सूखी भी दिखाता हूँ, हाफ पानी दिखाता हूँ। चलो टाइम ना बर्बाद करते हुए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हाँ, कमेंट करना ना भूलें गाइस, कमेंट करें। आपके लिए इतनी बारिश में भी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, आप देख तो रहे हैं, कमेंट कोई भी नहीं कर रहे, कमेंट कीजिए तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। गाइस, इतनी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ। चलो टाइम ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। चलो ये देख सकते हैं गाइस, नदी का दृश्य काफ़ी अच्छी लग रही है नदी, और ये पानी पूरा ये जो सामने आपको दिख रहा है यहाँ तक पानी रहता है। गाइस, मैं ऐसे दिखाने की कोशिश करूँगा, ये यहाँ पर तक पूरा पानी रहता है, और अभी यहाँ से पूरा घटा हुआ है आधे तक। देखिए उस साइड का एरिया भी दिखाऊंगा आपको, ये पूरा ही कम हुआ है पानी आज तो। उस साइड कभी कभी जाल लगा के मछली भी पकड़ते हैं, लोग आते हैं दूर दूर से पकड़ने, और कभी हम भी पकड़ते हैं, और ये कभी फुल होता है, फुल में तो देखा जाए आपने, आज ये खाली में भी देखिए। और ये जंगल रहता है गाइस, कभी आप कोई भी यूट्यूब फैमिली आएंगे तो घर में तो खटी माँ के रास्ते नदरना से अंदर कटेंगे, और यहाँ से लाल कोठी होते हुए इस रोड से सिमल का पेड़ रहेगा, फर्स्ट एक पेड़ रहेगा, उसके बाद हमारा गांव स्टार्ट हो जाएगा गाइस, जो देवीपुरा मझगाँव बनबसा में पड़ता है, उत्तराखंड का एक छोटा सा प्यारा सा गाँव। व्लॉग में देखा होगा आपने किस तरह का यहाँ से रहन सहन होता है, और ये देखिए पानी भरा हुआ है यहाँ पर काफ़ी। और ये गाइस जैसे ही यहाँ पर आएंगे, फर्स्ट में यहाँ पर जो पहला यहाँ पर अभी हल्का सा आपको मकान दिख रहा होगा, ये फर्स्ट मेरा मकान है, फिर उसके बाद मोहन भाई का मकान है, उसके बाद रवि का मकान है। आप आएंगे जैसे ही फर्स्ट मकान यहाँ पर दिखेगा सोनिया नाला के पास गाइस, तो गाइस कमेंट करके ज़रूरी बताना मेरे को, कमेंट करना। और आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी बारिश में ब्लॉग बनाता हूँ, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ नई से नई चीज़। ऐसा नहीं कि गाइस एक ही ब्लॉग, एक ही कंटिन्यू ब्लॉग सभी बनाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट सोचता हूँ कि अलग ब्लॉग बना के दिखाऊँ आपको, कुछ अलग दिखाऊँ। तो गाइस इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। अभी भी गाइस बारिश से एक हाथ में छाता है, एक हाथ में मोबाइल है, तो मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना इस ब्लॉग में कि हाँ हम देखते हैं आपके ब्लॉग, कोई कुछ भी कमेंट कीजिए गाइस, तो देखिए हमारा गांव स्टार्ट हो गया। तो गाइस कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, क्योंकि मैं उससे मोटिवेट हूँ गाइस, नहीं तो आप लोग ब्लॉग तो देखते हैं कमेंट नहीं करते, क्योंकि वीडियो बनाने में और एडिट करने में बहुत टाइम लगता है गाइस। और प्लस एक सबसे बड़ी ये बात है, उत्तराखंड में जिस जगह पर मैं हूँ यहाँ पर नेटवर्क बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं दूसरे यहाँ पर जाके वाईफाई से अपलोड करता हूँ गाइस, उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, और आप लोग कमेंट नहीं करते, खाली देख के चले जाते हो। ब्लॉग पूरे ही वॉच करो, आपको मज़ा आएगा गाइस। ये सोनिया नाला है गाइस, इसके अंदर तीन गुफाएं हैं, मैंने एक ब्लॉग स्पेशली बनाया है सोनिया नाला करके, मेरे ही ब्लॉग में देख लेना, इसके अंदर से तीन गुफाएं हैं, और वहाँ से पानी कभी कभी बहुत फुल आ जाता है गाइस, डूब जाता है, तो यहाँ पर ये गुफा है, और ये अभी पत्थर लगाए हुए हैं, और यहाँ से गुफा इसके नीचे से ऊपर निकली, वहाँ उस साइड निकली है गाइस। तो अभी काफ़ी यहाँ पर ठंडा भी हो रहा है, मेरे को घर को निकलना पड़ेगा। ये देखिए गाइस, नदी यहाँ पर पूरी अभी सूखी हुई है, ये लगता है थोड़ा पानी बढ़ गया, और ये यहाँ पर जो ये गुफा है, ये गुफा से ही पार ऊपर से चल सकते हैं, इसके यहाँ पर सीमेंट है, और जगह तो यहाँ पर रहता है, यहाँ पर डूब सकते हैं, यहाँ से चल के आराम से जाते हैं गाइस पार तक। तो देखिए गाइस बारिश बहुत भयंकर बारिश है गाइस, ये देखिए, तो मेरे को निकलना होगा अभी घर को गाइस। हाँ कमेंट करना गाइस, क्योंकि वीडियो बनाना, एडिट करना, अपलोड करना काफ़ी मेहनत होती है गाइस, उससे मैं थोड़ा सा मेरे को मोटिवेट करना चाहते, तो आज कमेंट जरूर कीजिए इस ब्लॉग में गाइस। देखिए कितनी बारिश हो रही है, बहुत सारी बारिश है गाइस, ये देखिए आवाज़ आपको आ रही होगी गाइस, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं ब्लॉगों में झूठ बोलता हूँ, जो रियलिटी है वो रियली रहता है गाइस, और रियली ब्लॉग बनाता हूँ मैं ना, तो काफ़ी भयंकर बारिश भी आ रही है देखिए गाइस।
ये देख सकते हैं कितनी भयंकर बारिश है। चलो तो गाइस अभी मेरे को जाना पड़ेगा घर को, काफ़ी बारिश आ चुकी है और मैं हल्का भीग भी चुका हूँ। और मोबाइल तो नहीं भीगेगा, मोबाइल तो वाटरप्रूफ है, आईफोन 14 प्लस आपको पता ही है। सारी जो भी यूट्यूब फैमिली मेरी पुरानी है, जो ब्लॉग देखते हैं उनको सभी मेरे बारे में डिटेल्स पता है। और घर आ चुका है मेरा, ये घर है यहाँ पर गाइस, फर्स्ट ये जो मकान है अभी अभी बनाया है, ये देखिए। आप यहाँ से आएंगे तो पहला जो सोनिया नाला के बगल में ये बजरंग बली रहेगा, उसके बाद ये मेरा ही घर रहेगा गाइस, तो देख सकते हैं। और लाइट जली हुई है पीछे और काफ़ी भयंकर बारिश भी आ रही है गाइस। साथ काफ़ी मज़ा आने वाला है और मैं लेके आ गया हूँ जाल। ये है 100 ग्राम, 100 ग्राम बोले तो काफ़ी लंबी होती है, और ये यहाँ लगा दूंगा। और इसमें हम दिखाते हैं आपको मछली मरती है या नहीं। अभी मोहनदा और मैं आ गए हैं और हम इसमें बड़ी बड़ी मछली मारने की कोशिश करेंगे। इस जो रोड है, इधर उधर तो पानी है, यहाँ पर रोड के ऊपर हम लगाएंगे, शायद मछली मरेगी। तो आप सभी हम उतर गए हैं नदी में, और जो ये नदी रहती है देख सकते हो उतनी ऊपर तक भरे रहती है, और अभी काफ़ी यहाँ पर सूखी भी है। और हम इसमें आ गए हैं रोड पे, ये हैं जो हमारे सोनिया के ऊपर की गुफाएं हैं, तो उसके ऊपर यहाँ पर से काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ यहाँ से क्रॉस करके वहाँ जाती है, तो आज हम उनको मारेंगे। ये है हमारी जाल और मोहनदा आ रहे हैं हमारे, और बारिश का काफ़ी बहाव है, इसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ ऊपर को जाएगी, और हम यहाँ पर खड़े रहेंगे और आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि मछलियाँ कैसी, कौन सी मछलियाँ है यहाँ पे। और ये बेसिकली ये नदी जो आती है पहाड़ों से आती है, बर्फ़ के पानी से गल के गाइस, और काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ इस नदी में गाइस, 10-15-20-25 किलो की मछलियाँ हैं, और हम आप लोगों को दिखाएंगे तो मछलियाँ कैसी है। पहले तो हम जाल को खोल लेते हैं। चलो तो अभी हम बीच नदी में पहुँच गए, काफ़ी बड़ी नदी है गाइस, तो देख सकते हैं ये यहाँ पर से भी मछलियाँ आती हैं इसमें। अभी हम जाल लगाएंगे इधर इधर, और बीच नदी में हम, ये देखिए इस साइड इतनी बड़ी नदी है और इस साइड इतनी बड़ी नदी है, जितनी अच्छी दिखती है गाइस इतनी ख़तरनाक भी है नदी, काफ़ी जान ले डूबी बैठी है नदी, और कितने लोगों की जान ले बैठी है। और इसमें हर साल में 10 से 15 आदमी डूबते हैं गाइस। तो गाइस अभी हमने जाल लगा दिए, यहाँ से जाल हमने खड़ी करके नहीं, ऐसे ये पत्थरों से दबाइए, देखो वहाँ तक जाल है, और मछलियाँ इसमें नीचे नदी से अभी पानी जैसे कम होता है तो ऊपर को आती है, तो हमने ऐसे लगाइए, देखते हैं मछली इसमें फंसती है नहीं फंसती है। आगे भी किसी ने लगाई है, काफ़ी डरावना मौसम हुआ है देख सकते हैं अभी, और ठंडा भी काफ़ी लग रहा है और पानी अभी कम हो रहा है देख के। मछली भर चुकी है और पानी कम हो चुका है, मछली भर चुकी है और डूमन सी आ चुका है ऐसे बैठा चुपके, और नदी पूरी सूख चुकी है और गांड फट के आ चुकी है ठंडे से। गाइस मछली तो फंसी नहीं, सुबह से लगा हूँ ठंडा हो गया है, जब भी आ रहा हूँ पानी में कपड़े भीग जा रहे हैं, 3-4 बार कपड़े भीग गए हैं, और पानी काफ़ी गहराई से बह रहा है देखिए, काफ़ी स्पीड से, और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। नदी का पानी काफ़ी ऐसा लग रहा है बढ़ रहा है, अभी मैं अपनी जाल निकाल दूंगा। तो देख सकते हैं गाइस अभी काफ़ी बारिश हो रही है। तो गाइस आज पूरा दिन भर रही बारिश, और बारिश में ही जो मैंने ब्लॉग शूट किया है रोड का, नदी का, और हम जहाँ भी गए जाल लगाई, ये पूरा दिन का ब्लॉग था। तो गाइस ये ब्लॉग कैसा लगा और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताने ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं। गाइस अभी मैं हूँ घर पे, अभी शाम के अराउंड हो रहे हैं 7:30, और इस ब्लॉग को मैंने अभी एडिट भी करना है। चलो इस ब्लॉग को यही एंड करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं काफ़ी और ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉगों के साथ। और गाइस हाँ भूलना मत कमेंट जरूर करना, नहीं तो मैं उत्तराखंड के अभी कोई भी ब्लॉग नहीं डालूंगा और ना ही कोई जगह मैं एक्सप्लोर करूँगा। इससे क्या है मेरे को थोड़ा सा एक मोटिवेट मिलता है गाइस, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब
तो आप लोगों ने किया है, तो एक लाइक और जो आप कमेंट करते हैं इससे काफ़ी मैं मोटिवेट होता हूँ। हाँ, गलत करूँ या गलत बोलूँ या जो भी चीज़ इसमें हो आप बताओ मेरे को, जैसा भी अच्छा लगे तो मेरे को बताओ। चलो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आगे, बाय।